बेटा स्टार्ट करें क्लास को। हेलो, यस सर, आ रही आवाज। बेटा स्टार्ट करें क्लास को। हाँ सर, बेटा देखो, 7.9 कल की मैं रिकॉर्डिंग अभी शेयर करता हूँ। रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे डाल दी, अभी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, उससे देख लेना। पीडीएफ भेज दूंगा सारी अभी हाथ की आती क्लास के एंड में। ठीक है सर। अब बेटा, अब अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनाइट इंटीग्रल। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, अगर हमें हल्का फुल्का भी इंटीग्रेशन आ गया है तो ये टॉपिक आ जाएगा और यहां से नंबर मिलेगा एग्जाम में पूरा पूरा। देखो बेटा, ए से बी हमें किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है, तो आज तक हम क्या करते थे, इसको हम उठा के इंटीग्रेट कर दिया करते थे, इसको हम इंटीग्रेट किया करते थे और प्लस सी लगाते थे। अब प्लस सी नहीं लगाएंगे, लोअर लिमिट को ए लिखेंगे, अपर लिमिट को बी लिखेंगे, और हमेशा अपर माइनस लोअर करते हैं, हमेशा अपर माइनस लोअर करते हैं, हमेशा अपर माइनस लोअर करते हैं। हमें इंटीग्रल देता क्या है, इंटीग्रल हमारे को एरिया देता है, इंटीग्रल हमारे को एरिया देता है। मान लो ये कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये कोई कर्व है एफ एक्स, और मान लो बेटा ये इसका ए पॉइंट है और मान लो बेटा ये इसका बी पॉइंट है। तो इंटीग्रल करने पर हमारे को ए से लेके बी के बीच का ये पूरा एरिया मिल जाता है। इंटीग्रल हमारे को देता क्या है, एरिया ऑफ द कर्व। तो ये हमारे को एरिया देता है, ये हमारे को एरिया देता है, तो इंटीग्रल करके हमारे को एरिया मिल जाता है, तो ये हमारे को एरिया देता है। हमारे को इतनी सी बात समझनी है, अपर माइनस लोअर करना होता है, अपर माइनस लोअर करना होता है, हमें तो इतनी सी बात समझनी है। क्वेश्चन करेंगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना, एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2 से लेके 3 तक दे रखा है लिमिट और इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर को। अब बहुत सिंपल बात है बेटा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो तो 2+1/2+1, और अपर लिमिट है 3 और लोअर लिमिट है 2। तो पहले अपर लिमिट पुट करो लाके आप। अगर आप अपर लिमिट पुट करोगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करो और जो कांस्टेंट है उसको भारी रखे रखो, जो कांस्टेंट है उसको भारी रखे रखो, तो आंसर आ जाएगा 1/3 × 27 - 8। 1/3 × 27 - 8 तो आ जाएगा 19/3। और देखो बेटा, और समझ में आएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा, बस कुछ नहीं लगाते बेटा, कुछ नहीं लगाते, कोई यूनिट नहीं आता, कुछ नहीं आता। जैसे सेकंड देखो बेटा क्वेश्चन, -1 से 1 - 1 to 1 x + 1 dx। सिंपल सी बात है, एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा तो क्या आएगा, एक्स आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर, तो पहले 1 रख दो, अपर लाके रखो, 1 का स्क्वायर अपॉन 2+1, अपर रख दिया हमने, फिर माइनस लगाओ और लोअर लिमिट आके रखो, तो -1 का स्क्वायर अपॉन 2 और -1। सॉल्व करते हैं देखो क्या आ रहा है, तो ये आ गया 1/2 + 1, ये +1/2 है, साइन चेंज हो जाएगा, -1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/2 और 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, बच क्या जाएगा 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 से 3 तक 1/x dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है बेटा log mod x, अपर माइनस लोअर करेंगे, अपर लिमिट है 3, लोअर लिमिट है 2, पहले अपर लाके रखो, log 3 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाओ, log 2 आ जाएगा। चाहो तो आंसर को यहां छोड़ दो
और आप चाहो तो थोड़ा लॉग लगा लो बेटा, आपको अच्छी तरह आता है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉग लगा लो, आंसर अच्छा लगेगा दिखने में, तो आप लिख दो लॉग थ्री अपॉन टू। और देखो बेटा और समझाता हूँ आपको, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास माइनस फोर से माइनस वन, माइनस फोर से माइनस वन, वन अपॉन एक्स डी एक्स, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड एक्स होता है, अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट का वैल्यू माइनस वन है और लोअर लिमिट का वैल्यू माइनस फोर है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग मॉड में माइनस में प्लस का वन हो जाएगा और लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है, लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है, लॉग वन जीरो होता है और माइनस का फोर है तो प्लस का फोर हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो लिखो या लिखो एक ही बात है, तो माइनस लॉग फोर छोड़ दो, और आप चाहो तो थोड़ा आंसर अच्छा कर दो, ये जो माइनस लगा हुआ है आपको पता होगा ए लॉग बी लिखा हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं पावर, इसको पावर बना देते हैं, तो फोर की पावर माइनस वन हो जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या होता है लॉग बी की पावर ए हो जाता है, तो फोर की पावर माइनस वन हो जाएगी और फोर की पावर माइनस वन को हम क्या बोल सकते हैं, लॉग वन अपॉन फोर। अगला क्वेश्चन समझाता हूं करके देखो आप, लॉग, अरे बेटा ऐसे होता है देखो, किसी नंबर की पावर जीरो करा, ए की पावर बी बराबर सी होता है पता है आपको, अगर मैं लॉग लेता हूं तो क्या आता है, अगर मैं लॉग लेता हूं तो क्या आता है, लॉग, इसको लॉग लेके लिखना है तो क्या लिखेंगे बोलो, नहीं यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे अपन लिखते हैं ऐसे, ये लॉग लिखा हुआ है, लॉग ए बी सी लिखा हुआ है, अपन जब लॉग हटाते हैं तो क्या करते हैं, बी तो ऐसे आ जाता है और ए की पावर सी हो जाता है, ए की पावर सी हो जाता है, तो यहाँ पे सी तो ऐसे ही आ जाएगा, सी तो ऐसे ही आ जाएगा, बेस ए आ जाएगा और ये क्या बनता है, बी बनता है। अब मेरे को बताओ किसी नंबर की पावर जीरो क्या होती है, वन होता है, तो क्या लिखना, इसको आप लॉग में लिखोगे कैसे लिखोगे बताओ, लॉग वन टू द बेस टू और लॉग वन आ गया तो आंसर कितना आएगा, हमेशा बताओ किसी नंबर की पावर जीरो ही वन होती है, तो इसलिए कहा जाता है लॉग वन जीरो होता है, बेस में कोई भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखो बेटा अगला क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ जीरो से वन, वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स, तो वन अपॉन एक्स, इसको अब सीधा कर दे इंटीग्रेट या टी मान के करूं, वन अपॉन एक्स का क्या होता है बताओ, सिखाया था मैंने लॉग मॉड एक्स होता है, और ये भी सिखाया था जो लीनियर के पहले कोफिशियंट आता है वो अपॉन में चले जाता है, जो लीनियर के पहले कोफिशियंट आता है वो अपॉन में चले जाता है, और अपर लिमिट वन है और लोअर लिमिट जीरो है, पहले अपर लाके रखो, कॉन्स्टेंट को तो बाहर निकाल लो, अपर में रखोगे तो लॉग वन माइनस थ्री आ जाएगा, लॉग में वन आ जाएगा, वन लॉग टू वन जो टू माइनस थ्री, मतलब माइनस का वन आएगा और माइनस लॉग ये टू इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, लॉग मॉड में है, मॉड में है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग वन और ये हो जाएगा लॉग थ्री, और लॉग वन जीरो होता है तो अब सीधा लिख दो आंसर को बेटा, लॉग वन अपॉन थ्री, वन अपॉन टू मॉड लॉग वन अपॉन थ्री, प्लस सी नहीं ले रहा था सॉरी, बोलो बेटा अगला देखो क्वेश्चन, ये आ गया ना स्टेप, माइनस को ऊपर ले गया, पावर अपॉन में आ गया ना, ऐसे आपको दे रखा है अगला क्वेश्चन, बोलो जीरो से वन है ना, जीरो जीरो से वन रूट, अब बस सिंपल सी बात है, रूट का क्या होता है बताओ, तो पावर वन बाय फोर टू है तो वन बाय टू प्लस वन, मतलब थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू,
और जो x का कोफिशियंट आता है वो अपॉन में आ जाता है, तो x का कोफिशियंट क्या है, 5 अपॉन में आ जाएगा, अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है 0, तो 2 अपॉन 15 तो बाहर आ गया, पहले अपर लिमिट आके लाके रखते हैं, तो 5 इंच 5 प्लस 4 उसकी होल पावर 3/2, और अब लोअर लिमिट आके रखेंगे 0 प्लस 4 उसकी होल पावर 3/2, 5 प्लस 4 9 होता है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 9 मतलब क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर तो कट जाएगा ना बेटा, और 4 मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर तो कट जाएगा बेटा, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, तो 19 आ जाएगा, 19 2 जा 38 आ जाएगा अपॉन 50। अगला क्वेश्चन देखो आप, 2 से 3, 3 की पावर x, बच्चे इसका इंटीग्रेशन ही भूल जाते हैं, 3 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलोगे? अच्छा आप बताओ, आपको याद है क्या बेटा, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर x को t लेके करेंगे ना? नहीं 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 करेंगे बेटा, आपने सही बताया। देखो बेटा, देखो बेटा, a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है, a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन log a, याद करो बेटा, याद करो, बेसिक फॉर्मूला है, याद रहना चाहिए हमारे को, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 की पावर x अपॉन log 3। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट 2 है, कॉन्स्टेंट को पकड़ के बाहर, कॉन्स्टेंट को पकड़ के बाहर, तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 2, 3 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन log 3 आ गया, और 27 माइनस 9 आ गया, तो 18 आ गया बेटा। अब चाहो तो आंसर वैसे छोड़ दो, वरना देखो log की प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ा होगा log की प्रॉपर्टी होती है log a टू द बेस b, अगर ऊपर जाता है तो ये चेंज हो जाता है, log b टू द बेस a हो जाता है, log b टू द बेस a हो जाता है, तो ये ऊपर जाएगा तो log चेंज हो जाएगा, तो log यहाँ पे कुछ नहीं तो e मानते बेटा, log e टू द बेस 3, आप चाहो तो आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, बोलो। अगला क्वेश्चन आता है 2 से लेके 1 तक, 2 से लेके 3 तक dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो क्वेश्चन बता फंसाया है पार्शियल फ्रैक्शन का, देखो ना ये क्वेश्चन किसका फंसा हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन का, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था एक फॉर्मूला आप याद कर लो, आगे जाके काम में आता है, हम सीधा अप्लाई कर लिया करेंगे, 1 अपॉन x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a, हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लें, और मैंने आपको एक और फॉर्मूला कहा था याद करने की, आपको याद हो तो मैंने कहा था दो फॉर्मूले कई बार काम में आएंगे, तो इनको पार्शियल लगाने की जगह हम सीधा लगा लिया करेंगे, तो अब ये टाइम आ गया सीधा लगाने का, हम सीधा लगा सकते हैं, डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर कम मार्क्स का होगा तो हम सीधा लगा देंगे, और ज्यादा मार्क्स का होगा तो पार्शियल लगा देंगे, तो एक बार मैं पूरा करके दिखाता हूँ, एक बार मैं पूरा करके दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन था हमारे पास 2 से लेके 3 तक dx अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1, जब पार्शियल लगा रहे हो तो लिमिट को भूल जाएगा, जब पार्शियल लगा रहे हो तो लिमिट को भूल जाएगा थोड़ी देर के लिए, जब पार्शियल लग जाएगा उसके बाद अपन लिमिट लगा लेंगे, या लगाए रखो लिमिट को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप लिखे रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल हमें लिमिट से तो कोई मतलब है नहीं, हमें पार्शियल लगाना है तो उसको हम a मानेंगे फिर b मानेंगे, तो a अपॉन x माइनस 1 और b अपॉन x प्लस 1 dx, अब a और b तो सीधा निकाल लें,
ये क्या आएगा, देखो नीचे वन रखो, यहाँ पे वन है तो वन रखोगे तो ऊपर तो आएगा वन और नीचे आएगा टू, यहाँ पे रख लो इसको, भूल जाओ कहते शॉर्टकट, इसको रखोगे माइनस वन तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो बी क्या आ जाएगा, ऊपर तो आएगा वन और नीचे आएगा माइनस वन माइनस वन, तो माइनस का टू आ जाएगा। तो हमने ए और बी निकाल लिया, अब यहाँ पे वन अपॉइंट टू रखोगे, यहाँ पे वन अपॉइंट टू रखोगे तो वन अपॉइंट टू तो कॉमन आ जाएगा ना, वन अपॉइंट टू कॉमन आ जाएगा, ए की जगह तो वन आ जाएगा और बी की जगह माइनस का वन आ जाएगा, वन अपॉइंट टू दोनों से कॉमन आ गया ना बेटा। और अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन लॉग मॉड एक्स प्लस वन, लॉग मॉड एक्स प्लस वन, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग ए अपॉन बी हो जाएगा। और आप देखो मैंने जो फॉर्मूला लिखा था ये वही फॉर्मूला बन चुका है, मैंने लिखा था अभी अभी वन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, मैंने लिखा था वन अपॉन टू ए होता है, लॉग मॉड एक्स माइनस ए होता है और एक्स प्लस ए होता है। देखो मैंने अभी यही बताया था आपको ना, तो यही बन गया फॉर्मूला। तो देखो ए क्या है यहाँ पे वन है, तो टू इंटू वन क्या होता है, और एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। अब पहले अपर लिमिट लगा दो, फिर लोअर लिमिट लगा दो, अपर लिमिट लगाओगे तो क्या बनेगा, लॉग थ्री माइनस वन हो जाएगा टू अपॉन फोर, लॉग प्लस थ्री लिखा माइनस वन, अब टू रखेंगे तो टू रखेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा लॉग जीरो, और लॉग जीरो क्या होता है, नहीं सॉरी वन, लॉग वन आ जाएगा, सॉरी लॉग वन अपॉन थ्री आ जाएगा। अब चाहो तो यहां छोड़ दो, चाहो तो माइनस का रूल लगा लो, और माइनस का रूल लगा के इसको पूरा कन्वर्ट कर दो, टू अपॉन फोर अपॉन में आएगा तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और फाइनल आंसर आ जाएगा वन अपॉन टू लॉग थ्री अपॉन टू। बोलो समझ में आ गया क्या बेटा, आपको आगे समझ में? यस सर। है ना, तो ये दो फॉर्मूला बेटा चाहो तो याद कर सकते हो, अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो ओरली हो जाएगा सॉल्व, टाइम बच जाएगा, है ना, और हमारी बुक में भी दे रखे हैं, एमएल अग्रवाल में फॉर्मूले के रूप में दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है फोर्थ का फर्स्ट, ये सिंपल सिंपल से हैं सारे। बेटा बोलो ना क्वेश्चन को क्या दे रखे हैं, वन से टू फोर एक्स क्यूब हाँ माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, बस वैल्यू टाइम रखेगा पुट करने के, तो कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। तो 4x की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, देखो आप 5x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, 6x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और 9 का 9x हो जाएगा। अपर लिमिट है 2 और लोअर लिमिट है 1, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो आप, अब वैल्यू रखो 2 लाके 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, 2 रखो लाके तो 8, 8 5 ना 40, 2 रखो तो 4, 4 3 सा 12 और 9 2 सा 18, ये तो हमने अपर लिमिट रखी लाके। अब लोअर रखेंगे तो 1 लाके रखेंगे, तो 1 की पावर 4 1 माइनस का 5 बाय 3 प्लस का 3 प्लस का 9, क्या कर लोगे सॉल्व यहाँ, है ना बेटा, तो सॉल्व कर लीजिएगा जो भी आंसर आएगा। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही इसका, थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन बोल दो बेटा, 0 टू 1 हाँ dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का रूल याद आना चाहिए आपको, अगर रूट में क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने का एक और एक ही तरीका होता है, रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अपॉन में रूट आता था, नाइन्थ क्लास में भी आता था, तो अब हम क्या करते थे, तो यहाँ पे भी हम रैशनलाइज कर देंगे, रूट हट जाएगा, और रूट हट गया तो आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, ऊपर लिखा वन प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, अपॉन में लिखा रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। तो
बस ये स्टेप आती आंसर आ जाता है, नीचे लग जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ऊपर वाले को हमें इंटीग्रेट करना आता है। तो ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाए, और बेटा अब हमें आता है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन, और फिर लिमिट लगा दीजिएगा। अब तो आपको आता है ना, टू बाई थ्री बाहर आ जाएगा, पहले वन पुट करिएगा, वन पुट करेंगे तो टू की पावर थ्री बाई टू आ जाएगा, प्लस वन की पावर थ्री बाई टू आ जाएगा, और फिर लोअर लिमिट पुट कर दीजिएगा, जीरो जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर वन की पावर थ्री बाई टू, और ये हो जाएगा जीरो। अब जो कैंसिल होता है, कैंसिल कर दीजिएगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो कैंसिल हो जाएगा और जो बच गया वही आंसर है। तो टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू की पावर थ्री बाय टू, बेस सेम है तो पावर को क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा, तो टू की पावर फाइव बाई टू अपॉन थ्री, टू की पावर फाइव बाई टू अपॉन थ्री। अगला देखो आप, जीरो टू वन, मेरे को फटाफट बताओ कौन सा रूल लगने वाला है। क्वेश्चन देख के आपको अब इंटीग्रल का रूल आना चाहिए समझ में, क्या रूल है बेटा बताओ, आप बताओ क्या रूल लगेगा बेटा, प्लस वन माइनस टू कर लेंगे, प्लस टू माइनस टू, उससे क्या होगा? नहीं सर, देखो मैंने ये सिखाया था आपको, आया नहीं है कोई बात नहीं, मैंने ये सिखाया था ऊपर पॉलिनोमियल होगा और नीचे पॉलिनोमियल होगा, फिर मैंने ये भी कहा था अगर ऊपर वाले पॉलिनोमियल की पावर नीचे वाले पॉलिनोमियल से बड़ी होगी, अब हाँ अब याद आ गया ना, तो ये बात पहले याद आनी चाहिए बेटा, बड़ा होगा या बराबर होगा तो डिवाइड करते हैं, तो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं और कोशेंट प्लस रिमाइंडर निकालते हैं। यहाँ पे पार्शियल तो लगेगा नहीं, रिमाइंडर से मतलब है हमारे को, तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर निकालते हैं, और फिर मैंने कहा था इसको अरेंज करते हैं, कोशेंट कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में, अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में, इस फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो ऊपर हम लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन, और नीचे लिखा हुआ है एक्स प्लस वन, तो इसको हम माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा माइनस का एक्स माइनस का वन, साइन चेंज कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज कर गया तो रिमाइंडर आ जाएगा टू, कोशेंट आ गया माइनस का वन, कोशेंट आ गया माइनस का वन और रिमाइंडर आ गया टू, और अब ये सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का एक्स और इसका हो जाएगा टू लॉग मॉड वन प्लस एक्स, और लोअर लिमिट अप और अपर लिमिट पुट तो कर ही दोगे तू, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट करते हैं, बोलो बेटा वन से लेके टू तक, नहीं वन से लेके टू है, हाँ वन से लेके टू डी एक्स अपॉन, हाँ जी बेटा, अब डू लगेगा क्या, पार्शियल लगेगा, और अब ए और बी ओरली निकालेंगे, अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ आके, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ए और बी अब हम ओरली निकालेंगे, अगर लीनियर है तो मैंने तरीका सिखाया है आपको ए और बी ओरली निकालने का, एक्स की जगह आप माइनस वन लाके पुट करिए, आप एक्स की जगह माइनस वन लाके पोर्ट करेंगे ये तो जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा वन, तो ए का वैल्यू सीधा सीधा आ गया वन अपॉन वन, बी के लिए एक्स की जगह माइनस टू पुट करिए, तो ऊपर तो वन लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस टू रखोगे तो माइनस टू प्लस वन क्या होता है, माइनस का वन होता है, तो बी का वैल्यू आ गया माइनस वन, ए की जगह ए का वैल्यू, बी की जगह बी का वैल्यू, और अब इसको आप सीधा सीधा इंटीग्रेट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब तो आगे इंटीग्रेट करना, लॉग मॉड
x plus 1 minus log mod x plus 2 और अपर माइनस लोअर कर दिया, कर देंगे ना अपर माइनस लोअर। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1 से 2 वही पार्शियल अगेयर दिख रहा है साफ साफ, और हमारा शॉर्टकट काम करेगा क्योंकि नीचे लीनियर है, और डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर पावर छोटा है, डिवाइड नहीं करेंगे ना, तो नीचे आएगा x प्लस बी और x प्लस 2, तो शॉर्टकट काम करेगा। तो क्या मतलब फालतू माथापोड़ी करें, a निकालते हैं ओरली, x की रखेंगे 0, तो ऊपर तो आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2, तो इसको भूल जाओ, और x की जगह रखेंगे माइनस का 2, तो ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा माइनस का 2, तो a आ गया b आ गया, 1/2 दोनों में दिख रहा है, तो 1/2 को बाहर रख लूं कैसे निकाल के, 1/2 को बाहर रख दिया, a के लिए आ गया 3/x, b के लिए आ गया माइनस का 1/x+2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इंटीग्रेट कर दो, 1/2 टाइम्स 3 टाइम्स लॉग मॉड x माइनस लॉग मॉड x प्लस 2, बताइए समझ में आ गया क्या, ठीक है ना। अगर डाउट आए स्टार्टिंग में आपको कभी, तो आप पूरा कर लीजिएगा, मतलब आप एग्जाम में हद मार के एक स्टेप बढ़ा दीजिएगा, बस कितने ही मार्क्स का क्वेश्चन उससे ज्यादा बढ़ाइएगा स्टेप, ऐसे कर दीजिएगा एग्जाम में एक स्टेप, और बाय कंपेयरिंग वी गेट द आंसर, है ना, बस ये स्टेप और कर दीजिएगा इसके बाद, और ए और बी तो ऐसे ओरली निकाल दिया करिए। क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाला देखो, बोलो 1 से लेके 3, हाँ हाँ, क्या तरीका सिखाया था बताओ मेरे को फटाफट, क्या लगाएं, क्या लगाएं बताओ, आप बताओ क्या लगेगा बेटा, बता नहीं सर, बोलो क्या लगेगा, अरे सिंपल सी बात है भाई, नीचे ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक के लिए क्या आता है, क्वाड्रेटिक के लिए क्या आता है और लीनियर के लिए क्या आता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है, और अब इसका वैल्यू निकालने से कहता है कंपेयरिंग करके निकल जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, मतलब ये ऐसे भी लीनियर की पावर कर सकते हैं, ज्यादा सिंपल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक क्या बोले, लीनियर बोलते हैं लीनियर की पावर है, और लीनियर की पावर उसे चला दो पावर को, है ना, तो ऐसे बना लो ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स को, दोनों से आंसर आ जाएगा, वैसे करोगे तो भी आ जाएगा, ऐसे करोगे तो भी आ जाएगा, लीनियर की पावर मार ली, और जब लीनियर की पावर होती तो क्या करते हैं, पावर को छोटे से बड़े तक चलाते जाते हैं, तो 1 बराबर हो जाएगा, अच्छा बताओ एलसीएम में ए में क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 1, हाँ आप बताओ, ए में क्या मल्टीप्लाई होगा, अरे बेटा एलसीएम लिया अपन ने, ए में क्या मल्टीप्लाई करोगे, यहां लाके देखो बेटा, यहां गलती हो जाती है एलसीएम लेने में, जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था, लिखा भी था साइड में, एलसीएम यही आता है, एलसीएम नहीं बदलना चाहिए, याद आया क्या, तो इसमें एक्स तो बैठा है, क्या कमी है, एक एक्स की कमी है और एक एक्स प्लस 1 की कमी है, ये पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते उठा के, आपने तो एलसीएम बदल दिया, तो एलसीएम नहीं बदलते, एलसीएम नहीं बदलते, है ना, मैंने लिखा भी था साइड में, आपको याद हो तो, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 आएगा, बी में क्या मल्टीप्लाई होगा, तो बी में सिर्फ और सिर्फ एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, और सी में क्या मल्टीप्लाई होगा, तो सिर्फ और सिर्फ, अब कुछ आंसर तो ओरली निकल जाएंगे, एक्स की जगह 0 लाके रखो, एक्स की जगह 0 लाके रखो, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बी का वैल्यू आ गया,
एक्स की जगह माइनस का वन लाके रखो, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, सी आ गया भाई, माइनस वन लाके रखो। अब तीसरा वैल्यू कंपेयरिंग करके आता है। कंपेयरिंग में मैंने कहा था या तो सबसे बड़ी पावर को कंपेयर करना या फिर सबसे छोटी पावर को। सबसे बड़ी पावर है यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पर तो x का स्क्वायर नहीं है, नहीं है तो हम ले आएंगे, हाँ नहीं है तो हम ले आएंगे, ऐसे ले आएंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जीरो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है बताओ, a है, और यहां पर कितना है एक्स स्क्वायर कोफिशियंट, सी है। तो a प्लस सी जीरो है और a का c का वैल्यू वन है, अगर c का वैल्यू वन है तो a का वैल्यू कितना आ गया, a की जगह a का वैल्यू, b की जगह b का वैल्यू, c की जगह c का वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। a की जगह a, b की जगह b और c की जगह c। अच्छा एक चीज समझाओ मेरे को, तो भी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो फटाफट बोलो, हाँ माइनस का लॉग इसका क्या होगा बोलो, हाँ बिल्कुल सही, लॉग नहीं लगेगा, बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पे, माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, जोशी जोशी बच्चा बोलता है लॉग मॉड एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं करना है ना, और लॉग मॉड एक्स प्लस वन वैल्यू पुट करना आपको आता है बेटा ना, अपर और लोअर आप कर दोगे। अगला देखो बेटा, अगला देखो आप, अगला क्वेश्चन है सेवेंथ वाला, तरीका बताओ क्या करेंगे इसमें सॉल्व करने का, हैं तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, क्या लगाओगे तरीका, बोलो बेटा तरीका क्या लगाओगे। सर वो जो अपन ने पहले पढ़ा था मल्टीप्लाई वाला, हाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, आई लेट लगेगा भाई, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है बेटा, और टी मानने से काम नहीं बनेगा, तो एलजेब्रा बनेगा फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल बनेगा सेकंड। एक्स को ऐसे लिखा, सेकंड को इंटीग्रेट करा, माइनस पहले वाले को डेरिवेटिव करा, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करा, और इसको फिलहाल तो कॉपी कर लेते हैं, बाद में कर देंगे सॉल्व, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ई की पावर एक्स ही आ जाएगा, वैल्यू पुट करी दोगे आप, x की जगह 1 लाके रखोगे, माइनस x की जगह 0 लाके रखोगे, x की जगह 1 लाके रखोगे, x की जगह 0 लाके रखोगे, सॉल्व होके जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, ये तो कट जाएगा देखो, और e की पावर 0 1 होता है तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो, है ना। देखो यहां पे आओ, इम्तिहान उसका नहीं है कि आपको आता ही नहीं आता, अब आपको तरीका याद आना चाहिए, देखते पहले वन से लेके टू, ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कल ही किया, कल ही बहुत बार याद दिलाया आपको मैंने, रट्टा मारो रट्टा मारो रट्टा मारो, बताओ क्या था ये, क्या था ये, e की पावर एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स, आंसर ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो हाँ ये याद करना ना, ई एक्स एफ एक्स सी तो लगेगा नहीं साहब, अपर लिमिट रखोगे लोअर लिमिट रखोगे आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, जीरो से ए थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो एट आ रहा है, ए का वैल्यू बताना है, कोई बात नहीं आप वैल्यू सॉल्व करो, एक्स का क्यूब अपॉन थ्री हो जाएगा है ना, और जीरो टू ए है और एट है, थ्री से थ्री तो कट जाएगा बेटा, तो अब आ गया ए क्यूब माइनस जीरो क्यूब, तो बताओ किसका क्यूब एट होता है, टू का क्यूब एट होता है, तो एक इतना आ गया टू आ गया, तो ये क्वेश्चन ज्यादा सिंपल हो जाते हैं, है ना, इसमें टीचर एग्जामिनर कॉम्प्लिकेशन चाहे तो भी नहीं पैदा कर सकता, ठीक है ना, जैसे जैसे क्यूबिक बना दिया यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करना है, क्यूबिक सॉल्व करना पड़ेगा, वो टाइम लगेगा आपको,
3x square दे रखा है, plus 2x दे रखा है, plus 1 दे रखा है, और solve करके 11 आ रहा है। भाई साहब ने क्या करा है, यहाँ पे दिमाग लगा के क्यूबिक बना दिया, तो 3x cube upon 3 हो गया, 2x square upon x हो गया, 2 हो गया, 1 का x हो गया, ये a है और ये 1 है, और equals to दे रखा है 11, ये 3 और 3 कट गया, 2 और 2 कट गया, तो आ गया a cube plus a square plus a, अपर लिमिट रखा मैंने, और 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट आ जाएगा, वो सॉरी 1 रखा तो 1 1 1, और प्लस का 11 इधर आके, और ये क्या बन गया, एक प्यारा सा क्यूबिक इक्वेशन बन गया, 11 12 13 14। अब ऐसा वैल्यू सोचो जिसको रखने पर जीरो आ जाए, जिसको रखने पर जीरो आ जाए, और वो वैल्यू कहां से आएगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, भूल गए होंगे आप भी, मैं याद लाता हूँ, वो वैल्यू कैसे आता था, ये जो कांस्टेंट नंबर होता है इसके फैक्टर बनाते थे, तो फैक्टर बनेंगे 1 से करता है, 2 से करता है, 7 से करता है, और 14 से करता है, तो या तो प्लस माइनस 1 में से कोई आंसर बनेगा, नहीं तो प्लस माइनस 2 में से, नहीं तो प्लस माइनस 7 में से, नहीं तो प्लस माइनस 14 में से। हाँ, तो अब रख के देखना पड़ता है इसमें रफ के अंदर, तो जैसे 1 रख के दिख रहा है आंसर नहीं आएगा, 14 तो कभी नहीं आएगा, 2 रख के देखते हैं, तो 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 4 प्लस 2 बन गया 14 ही आ गया, तो एक फैक्टर 2 आ गया, एक फैक्टर 2 आ गया। अब इसको हमें लॉन्ग डिवीजन करना पड़ता है, एक एक फैक्टर 2 आ गया, तो a माइनस 2 एक फैक्टर हो गया, तो ये बन गया a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 14, क्या मल्टीप्लाई करें तो बोलोगे a स्क्वायर, तो ये आ गया a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर, साइन चेंज करो आप इसका, ये कट जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस a माइनस 14, क्या मल्टीप्लाई करें तो आप बोलोगे 3a, तो 3a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 14, फिर साइन चेंज हो जाएगा दोस्त, और